और हम लोग पूजा कर लिए और मेरे साथ हैं वैद्य जी और जा सभी को दोस्तों जय माता दी दोस्तों, और नया दिन नया ब्लॉग दोस्तों। और आज है मेरा 100 डे 100 ब्लॉग का आज ये 16वां ब्लॉग है दोस्तों, और नवरात्रि के 8वां दिन अष्टमी है दोस्तों। और अभी मॉर्निंग का समय नहीं, अब आफ्टरनून हो गया, 12 बजने ही वाले हैं। और अभी मैं हॉस्पिटल गया था, मॉर्निंग में हॉस्पिटल गया 7:30 बजे। वहाँ से आते 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 मेरे को बज गए 10:30 बजे आया, और उसके बाद पूजा वगैरह किया और अभी रेडी हुआ। और मैं अभी घूमने जा रहा हूँ, कहाँ घूमने जा रहा हूँ, यहाँ से चंद्रपुर। और अभी मैं निकल गया हूँ दोस्तों, और थोड़ा सा पेट पूजा कर लेते हैं। पेट पूजा मेरा नहीं, गाड़ी का पेट्रोल पिला देते हैं, मेरा तो आज फास्ट है। तो दोस्तों मैं अभी पेट्रोल वगैरह डलवा के निकल गया। वाइफ जी का फ़ोन आया था, वो बोली कि हम लोग भी निकल चुके हैं और चलते हैं, अब सीधा मिलता हूँ। और ये देखिए पेट्रोल वगैरह डला लिए, अभी तो ठीक है, और धूप तो किया है, लेकिन कोई बात नहीं। आधे घंटे का सफ़र है, ज़्यादा दूर नहीं लगेगा। 30 किलोमीटर है, हाईवे है, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, 30 मिनट में पहुँच जाना होता है। और यहाँ पर पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा लंबा जाम लगा है, बहुत इधर आगे तरफ भी, पता नहीं कैसे है, बहुत लंबा जाम। अच्छा, चंद्रपुर मंदिर में भीड़ है ना, इसी वजह से नहीं जाने दे रहे हैं, यहाँ से रोक दिए हैं, यहाँ बैरिकेड लगा हुआ है। नदी को क्रॉस कर रहा हूँ, यानी कि मैं चंद्रपुर पहुँच गया दोस्तों। और हम लोग पहुँच गए चंद्रपुर। और चलते हैं अब गाड़ी में, और हमारी पुचरू ली है, केला ली है और ऑरेंज ली है ना जी। चलो मम्मी लोग पहुंच गए और हम लोग पूजा कर लिए, और मेरे साथ हैं वैद्य जी और जा रहे हैं घर। हम लोग जा रहे हैं घर दोस्तों, मजाक था, अभी जाएंगे नाथल देवी मंदिर, जाएंगे वहाँ से दर्शन करके उसके बाद आप मम्मी के यहाँ और मैं रायगढ़। जस्ट हमारे सामने में नाथालाई का मंदिर है, और मेरे पास मेरी वाइफ भी हैं दोस्तों। हम लोग अभी पुल के ऊपर हैं, और यहाँ उस साइड में आप देख पा रहे हैं नाथालाई का मंदिर। वो पास हो समोसा बड़ा कसम बन जाना। यहाँ पर मैं हूँ, अब मैं सबको सच बताऊंगा। जोड़ी मतलब चोट कर कर चल देता, जोड़ी मतलब चोट कर के लगा जा रहा, मैं खो जाता रहता हूँ। और यहाँ से व्यू बहुत ही, शाम के अभी 4:30 बज रहे हैं दोस्तों, और मैं निकल चुका हूँ घर के लिए, क्योंकि लेट करूँगा तो फिर मेरे को शाम को अपनी ड्यूटी में जाना है, और उसके बाद हॉस्पिटल भी आजकल शाम को जाना पड़ता है 8:30 बजे, उसके बाद 10:30 बजे रात को, 11 बजे रात को आता हूँ। इसी वजह से मैं बोला कि लेट नहीं करता हूँ, चलता हूँ, और निकल चुका हूँ मैं। दोस्तों फिलहाल अभी मैं घर पहुँच गया, और अभी बज गए हैं शाम के 5 बज गए हैं दोस्तों।
मैं निकला था, करीबन निकला था वही 12 बजे के आसपास निकला था, और घर वापस आते आते 5 बज गए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग को फिलहाल यहीं तक रखते हैं। आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली ब्लॉग में। रास्ते में इतना धूल 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 मत पूछिए, नए कपड़ा पहन के गया था पूरा, इसको पहन के आप कहीं जा ही नहीं सकते, एकदम मतलब अजीब टाइप का धूल की वजह से लग रहा है। तो इसको धोता हूँ, अभी धोऊँगा। और चलिए फिलहाल ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।